नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अभी हूँ मैं अयोध्या के रामपथ मार्ग में और यहाँ पे एक राजा फाटक जगह पड़ती है जो कि काफी शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे लाइटिंग करी हुई है भाई, और कितना शानदार व्यू आ रहा है देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ जय श्री राम करके, और पूरा जो गेट है उसको काफी अच्छे तरीके से लाइटों से पूरा सजाया हुआ, पूरा भरा हुआ मान सकते हैं एक हिसाब से, ये देख सकते हैं आप। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, ये सामने रामपथ है, रामपथ रोड, ये देख सकते हैं आप। और इसी के पास में ही है ये वाला, और ये राजा फाटक है जो जगह पड़ती है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ लाइटिंग को। ये देखो रामपथ मार्ग पे जैसे ही आप आगे को जाते हैं मंदिर की तरफ, तो यहाँ पे मैं 3-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे मैं इधर उधर आता हूँ यहाँ पे एक मौर्य मिष्ठार भंडार करके है, ये देख सकते हैं आप सामने। और यहाँ पे काफी भीड़ रहती है भाई, हर टाइम मैं चाहे दिन में आऊँ, रात में आऊँ, किसी भी टाइम आऊँ, यहाँ पे एवरी टाइम ये फुल रहता है, देख सकते हैं आप। अभी भी यहाँ की मिठाई शायद ज्यादा फेमस है यहाँ पे, एक्चुअली मैंने पूछा अभी इन लोगों से तो ये बोल रहे हैं पूरे अयोध्या में यहाँ पे आते हैं लोग, यहाँ की मिठाई काफी फेमस है। तो अगर आप आते हैं इधर पे अयोध्या में दर्शन करने, तो यहाँ की मिठाई भी एक बार जरूर टेस्ट करिए, क्योंकि जहाँ पे इतने लोग टूट पड़े हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। मैंने तो खाया नहीं अभी तक भाई, बट आपको ऐसी जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सामने आप ऑटो देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक ऑटो है एक्चुअली, और ये ऐसे ऑटो 50 ऑटो चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, ये देख सकते हैं आप भाई। ये व्हाइट वाले जो ऑटो है ये चलाते हैं जेंट्स, ये देख सकते हैं आप, काफी शानदार है यहाँ पे भाई के पास कस्टमर्स की, क्योंकि पहले से ही पता लग जाता है कि गवर्नमेंट वाले ऑटो है, तो इन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये 50 ऑटो है भाई, जिसे मैंने बात करी अभी तो भाई बता रहा था 50 ऑटो है, जिसमें से कुछ लेडीज के लिए आते हैं वो पिंक वाले हैं, और जो व्हाइट वाले हैं वो जेंट्स के लिए, उनको जेंट्स चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पिंक वाले हैं उनमें सिर्फ लेडीज ही बैठेगी, ऐसा नहीं है, इसमें जेंट्स लेडीज दोनों बैठ सकती हैं सेम उसमें भी, बट उसको ओनली लेडीज चलाएगी और इसको जेंट्स चलाएगा। और इसका ये एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय नहीं है इसमें, मैंने इनसे पूछा अभी भाई से, ये बोल रहे हैं कि हम इसका 550 रुपीज पर डे का ये रेंट देते हैं इसका, तो ये रेंट पे है, इनको दिया हुआ गवर्नमेंट ने, इनका अलग ही चल रहा फन, ये देख सकते हैं आप उसके ऊपर बैठ के फोटो खींच रहा है। ये हनुमान के लुक में प्रॉपर, आज का दिन तो दिवाली का। अभी हूँ मैं लता मंगेशकर जी के चौक पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप भाई, होल्डिंग का काम अभी सिर्फ ओनली ऑन बचा हुआ है, बाकी सारी सफाई वगैरह इधर पे 2 दिन में पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप पूरा लता मंगेशकर चौक में। और ये जो यहाँ पे सामने स्क्रीन लगी है, ये भी इससे पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो उस टाइम पे नहीं लगी थी, बट अब प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखो आप, ये देख सकते हैं, ये है लता मंगेशकर चौक का व्यू। और ये देखो, ये स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, ये लाइट चल रहा है इस पे, ये पूरा लग चुका है इधर पे, काम कंप्लीट हो गया, बाकी ये जो होल्डिंग लगनी बाकी है सिर्फ ओनली, बाकी पूरा काम इधर पे ये देख सकते हैं होल्डिंग भी लगी रही है अभी। बाकी ये पुलिस के द्वारा जारी है 112, ये देख सकते हैं, ये लगे हैं इधर पे लता मंगेशकर चौक पे दिए, ये देख सकते हैं आप दिए लगने स्टार्ट हो चुके हैं अब, और इधर पे ज्यादातर मीडिया वाले ही मिलेंगे, ये देखो इधर पे चल रहा है इंटरव्यू, यहाँ पे छोटे बड़े व्यापारियों को अपना रोजगार मिलेगा। ये देखिए क्या है, विपक्षी जो है वो उसी हिसाब से सोचेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कि गोबर में रहने वाला मंगलौरा सोचता है, उसको फूल पे बैठ के महक नहीं आती है, उसको सिर्फ गोबर की दुर्गंध आती है। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई,
राम देखे सिया मासिया राम को, राम देखे सिया मासिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई जय श्री राम। ये सूर्य स्तंभ आप देख सकते हैं कितने शानदार चमक रहे हैं रात को, और ये जो व्यू आप देख रहे हैं, हर जगह इंटरव्यू चल रहे हैं मीडिया वाले, हर जगह ये देख सकते हैं आप। ये है लता मंगेशकर चौक का व्यू। हम विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहते हैं, ए मेरे भाइयों, हम भारतवासियों के सौभाग्य की बात है, आप भी आओ, विदेश विदेश के हम भी आ रहे हैं, तो आप तो भारत के वासी हो, अपने आप को जागो, अभी समय है, राम के चरणों में शीश नवाओ, अपने भारत को फैलाओ। बस अपने श्री राम जी की भक्ति में लीन होने आए हैं, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ उनकी भक्ति में लीन है, और कुछ दिख भी नहीं रहा है, श्री राम के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है इस टाइम, कुछ भी नहीं दिख रहा। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सवारी जगत के पालन सनातनी भाइयों ने लिया है, वही प्रण मैंने लिया, जय श्री राम। पूरे हिंदुस्तान का एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये कृष्णा जी आजकल यहाँ पे 5-6 दिन से, ये हेलमेट आप देख सकते हैं काफी शानदार है, मेरे को एक्चुअली इसका जो लुक है, एक्चुअली बाहर से पूरा भगवा कलर लगा रखा है, देखो भाई ने भाई की गाड़ी है। यहाँ चल रही है देवकी नंदन ठाकुर जी की राम कथा, और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, अंदर काफी अच्छे तरीके से लाइटिंग लगी है, और यहाँ से अंदर ये प्रवेश द्वार हो गया, यहाँ पे भजन भी चलते हैं शाम को, और इधर ही उनकी कथा चल रही है। राम की पैड़ी में एक प्यारा सा भगवान श्री राम का मंदिर का एक पोस्टर बहुत बड़ा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये है भाई राम की पैड़ी का व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग शो चल रहा है अभी, ये देखो वाओ शानदार। अगर आप अयोध्या में आते हैं तो शाम को राम की पैड़ी में ज़रूर आइए, और इस लेजर शो का जो लाइटिंग शो होता है यहाँ पे, इसका आनंद ज़रूर लीजिए। बाकी ये ब्लॉग कर रहा हूँ यहीं पे एंड, होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।